हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हरियाणा का रिजल्ट जिस तरीके का आया, आप लोगों की उम्मीदों के अनुसार रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर जो है उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, किस तरीके से? नहीं, देखिए, मिल के लड़ेंगे और निश्चित तौर से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी का भी ध्येय एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज को समाप्त करना। जो अत्याचार अन्याय हो रहा है इस सरकार में, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी तरीके से लोगों को जेल भेजा जा रहा है, फर्जी तरीके से लोगों का घर गिराया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है इस सरकार में, इन सब चीज़ों से मुक्त दिलाना समाजवादी पार्टी की भी सोच है। हम निश्चित कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, हमारे नेता राहुल जी से लेकर सभी लोग लगे हैं, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा को समाप्त करेंगे और मिल के लड़ेंगे और हराएंगे। 5 सीटों की आपने डिमांड की थी, लेकिन 6 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता हैं सुनील सिंह साजन, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ न रहने के बावजूद भी वो हमारे अच्छे सहयोगी हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही समृद्धशाली मजबूत पार्टी है, आपने भी देखा परिणाम, और मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हम लोग मिलकर लड़ेंगे और निश्चित तौर से भाजपा के जंगल राज को समाप्त करेंगे। कल जिस तरीके से लखनऊ में JPNRC की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया था, कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनको सुरक्षा का हवाला देकर रोका गया था, उस पूरे मसले को किस तरीके से आपने? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सरकार पूरी तरीके से महापुरुषों का अपमान कर रही है, और जहाँ पर उनको जाना था, मालूम था कि JP की मूर्ति लगी है, तो वहाँ साफ सफाई करा के रखना चाहिए था। सरकार का मतलब ही है कि अगर महापुरुषों की मूर्तियां हैं तो उनको साफ़ सफाई कराना, उनकी व्यवस्था कराना, वो कराना चाहिए था। पूरी तरीके से सरकार ने ये, मैं समझता हूँ कि इस रोकने का जो कार्य किया है, ये जाने देना चाहिए था, और निश्चित तौर से महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से महापुरुषों का अपमान कर रही है। आपको लग रहा है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश? बिल्कुल साजिश है, साजिश हो नहीं है ही, कि आप क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं। इसका मतलब कि आप जो हमारे महापुरुष JP जयप्रकाश नारायण जी से लेकर हमारे गांधी जी से, गांधी जी के बारे में कितना बोला इन लोगों ने, सिनेमा फिल्म से जाने लोग, तो ये महापुरुषों का अपमान ये पूरी तरीके से सरकार कर रही है, जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर काशी आ रहे हैं, 13,000 करोड़ रुपये की सौगात काशीवासियों को देने वाले हैं। 13,000 करोड़ की सौगात है? बनारस में अभी जाम लग रहा है कि नहीं, आप देख लो, आप भाई, आप मीडिया के लोग हैं, आप देख लीजिए, आप चलते हैं ज़्यादा, गली गली जाते हैं, जाम पूरा, सड़क पूरी जाम पैक है, सब सीवर से सफाई नहीं है, गंगा जी में पानी गिर रहा है, पूरा गंदा पानी गिर रहा है, तो कहाँ ये पैसा जा रहा है? ये टोटल जो उनके मित्र, गुजरात के मित्र यहाँ काम कर रहे हैं, गुजराती कंपनीज काम कर रही हैं, सारा पैसा वो यहाँ से साइफन करके ले जा रहे हैं, और बनारस जस का तस पहले जैसा है। बनारस की जनता से मोदी जी उन जनता, बनारस की जनता के मन से उतर चुके हैं, और जनता ने 6 राउंड उनको हराया है, इस बार पूरी तरीके से उनको पैकअप करने वाली है। बनारस की जनता ने मोदी को पूरी तरीके से अपने मन से उतार दिया है, जो प्यार और सम्मान जनता से मिला उनको, ठीक उसके विपरीत काम किया, और बनारस की जनता के लिए एक कल कारखाना नहीं लगा, एक फैक्ट्री नहीं लगी, इन्होंने 1,000 करोड़ का बंदरगाह बनाया था, आप देखिए बंद पड़ा है, अभी आप TFC सेंटर चले जाइए, देखिए बंद पड़ा है, रुद्राक्ष देख लीजिए, बंद पड़ा हुआ है, जितने इन्होंने जो काम किए हैं सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं, बनारस की जनता उग चुकी है, बनारस की जनता निश्चित तौर से इनको जवाब देने वाली है। भाई, एक आखिरी सवाल, हरियाणा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस हमारे साथ हरियाणा में लड़ी होती तो आज हम सरकार बनाए होते, क्या आपको लगता है कि इनको 1-2 सीट देना चाहिए? देखिए, कांग्रेस अपनी समीक्षा कर रही है, समीक्षा का निर्णय बहुत जल्द आ जाएगा, फिर सारी बातों की जानकारी आपको बता देंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।